हेलो फ्रेंड, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को पहले से ही कर चुके हैं एक वीडियो में, तो हम 10 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट में उसका मिल जाएगा, और नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। चलिए अब हम आज अपने ये 11 क्वेश्चन से इसको यहाँ से देखते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। द करेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर। जो जूलिया का करेक्टर वो शेक्सपियर के किसमें उसमें आता है, तो ये आता है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। देखिए अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है। ये आपका यूपीपीसीएस के पॉलिटिकल जो लेक्चरर हुआ था 2021 में, उसमें आया था सेकंड पेपर में। ये तो आप देख लीजिएगा, ये नहीं बताएंगे। यहाँ से थोड़ी सी डिटेल पे हम जरूर चलेंगे, डिटेल को देखेंगे। द करेक्टर जूलिया अपीयर्स इन द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एन अर्ली प्ले इन 5 एक्ट्स। ये 5 एक्ट्स में है और शेक्सपियर के सभी जो प्ले है वो 5 एक्ट में ही है। रिटन परहैप्स इन 1594, ये 1590 से 1594 में लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुआ था 1623 में। इट इज द फर्स्ट ऑफ हिज प्लेस इन विच अ हीरोइन ड्रेसेस एज ए बॉय। इनका ये पहला प्ले था जिसमें किसी हीरोइन ने किसी लड़के के कपड़े पहने थे। डील्स विद द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनफिडेलिटी। ये देखिए इसमें इन्होंने कौन से थीम को किया है, फ्रेंडशिप ऑन इनफिडेलिटी को। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप एंड लव एंड द फूलिश बिहेवियर ऑफ पीपल इन लव। जूलिया पोर्टियस बिलव्ड एंड मिस्ट्रेस टू द सर्वेंट लुसेटा डिजायरिंग टू ट्रेवल टू मिलान टू विजिट पोर्टियस। जूलिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ हाई क्लास मेल पेज इन ऑर्डर टू अवॉइड लीचर्स एडवांसेस अलोंग द जर्नी कॉलिंग हरसेल्फ सेबेस्टियन। क्लियर। और देखिए सेबेस्टियन आपका करेक्टर इसमें भी आया, और सेबेस्टियन करेक्टर जब आप 12th नाइट पढ़ेंगे उसमें जो बॉयला का भाई होता है वो भी आपका क्या होता है, उसका नाम भी सेबेस्टियन होता है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये यहाँ से रहा, एक सेकेंड यहाँ से पेन को लेते हैं। एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक व्हाई अलेक्जेंडर पॉप इज सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ। देखिए द रेप ऑफ द लॉक जो है वो किसने लिखा है, ये अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। वो सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ किसका है, तो ये है एयर सेल्फ। एरियल इन द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ एयर सेल्फ गार्जियन स्पिरिट ऑफ द एयर। ये एयर की गार्जियन है। डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्जीनिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम सम ऑफ द अदर ओवरटली मेलिशियस सुपर नेचुरल बींग इन द पॉइम द सेल्फ Who dwells in the air serve as Blinda's personal guardian. Self Blinda की personal guardian के जैसे काम करती है। They are devoted lover like to any woman that rejects mankind. अब नेक्स्ट देखिए क्या है। What might the speaker mean when she addresses time in Shakespearean sonnet and declares that I will be to despite thy skit and thee. टाइम प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ विद टाइम कम्स स्ट्रेंथ टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ्स। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका बी और डी दोनों सही है। विद द टाइम कम्स स्ट्रेंथ और टाइम्स रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, ये दोनों सही है। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल को देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही था, इसमें हाँ ऑप्शन सही है जिसमें बी एंड डी ओनली। The speaker might mean when he addresses time in a speaker. जब शेक्सपियर सोनेट में टाइम को एड्रेस किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, एंड declares that I will be true despite the skit and the
With the time comes change and time removes human life. The line I will be true despite the skit and the is taken from sonnet number. ये आपके सोनेट नंबर 123 से लिया गया है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. दिस डिपिक्ट्स द रिवेंज ऑफ टाइम एंड हाउ ही सीज हिमसेल्फ हिज लव एंड हिज कैरेक्टर एज बियॉन्ड देम. इन द लाइन द स्पीकर सेज दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड ही इज गोइंग टू बी ट्रू टू हिमसेल्फ एंड टू हिज लव. व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट. ये योरिक हैमलेट में क्या है, तो ये एक जेस्टर है. पुअर एरिक इन द हैमलेट प्ले हैमलेट वाज अ जेस्टर. इन एक्ट 5 सीन 1 ऑफ हैमलेट हैमलेट इज अटैकिंग टू अ ग्रेव डैगर. द ग्रेव डैगर पिक्स अप अ स्कल एंड सेज इट हैज बीन देयर फॉर 23 इयर्स एंड इट बिलोंग टू योरिक द कॉर्ट जेस्टर एंड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हैमलेट्स. हैमलेट्स द फ्रेज अलास पुअर योरिक रिफर्स टू द ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. देखिए यहाँ से ये स्कल वाला जो सीन है ये बहुत फेमस है. पूछा जाता है कि स्कल वाला वो कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका हैमलेट में मिलता है. हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉरेस्टी एंड द फूल. ये एक ऐसे है, उसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका जॉर्ज ऑरवेल ने. लियर टॉरेस्टी द फूल इज एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल. इट वॉज inspired by a critical essay on Shakespeare by Leo Tolstoy and was first published in Polemic, a British magazine of philosophy, philosophy and atheistic, March 1947. In this essay, Orwell analyzes Tolstoy's criticism of Shakespeare's work in general and his attack on King Lear in particular. चलिए next question को देखते हैं. हमारा next question क्या है, यहाँ से जूम करते हैं इसको, एक सेकंड ज्यादा जूम हो गया. चलिए यहां से देखते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन को. विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन Something is rotten in the state of Denmark. देखिए इसके कुछ एग्जाम पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो हमने वीडियोस में कवर किए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं. वहां से इन क्वेश्चन का आंसर देना बहुत सरल हो जाएगा. तो ये कौन कहता है, ये आपका था मार्शलस. इन द लाइन समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. दिस लाइन इज स्पोकन बाय मार्शलस इन एक्ट 1 सीन 4 में. एज ही एंड होरेसियो डिबेट वेदर और नॉट टू फेलो Hamlet the ghost into the dark night, thus appreciated answer is मतलब sorry appropriate answer is D. ये तो बता ही दिया इसमें D सही है आपका. Character से character of Shakespeare's plays is a book of criticism written by. आप देख रहे हो Shakespeare के ऊपर जो books लिखी गई है उनके भी question कितने ज़्यादा आ रहे हैं. तो ये books किसने लिखी है, ये William Hazlitt ने लिखी है. Character of Shakespeare's play ये बुक किसकी है, ये हैजलेट की है. चलिए इसके कुछ डिटेल्स को देखते हैं फिर आगे और क्वेश्चन को देखेंगे. देखिए करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज एन 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्ले रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश एसियस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक विलियम हैजलेट. ये विलियम हैजलेट ने लिखी थी. करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले आर्ग्यूज अगेंस्ट अ सेंचुरी एंड हाफ of criticism that saw Shakespeare as a child of nature. इसमें दिखाया गया शेक्सपियर को child of nature, deficient in art and full of faults. Next question पर चलते हैं. Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad? And what was the little of work essays? ये किसने कहा है, तो ये लियो टॉलस्टॉय ने कहा ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा. इन्होंने एक लिखा है उस पर लियो टॉलस्टॉय ने ये कहा है कि शेक्सपियर का इन्होंने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को. तो चलिए डिटेल देखते हैं. इन द एसे पब्लिश्ड एज ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा इन 1906 टॉलस्टॉय कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड लेवल्ड हिज इंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी पर्निशियस एंड डिसमिस्ड शेक्सपियर हिमसेल्फ एज इन insignificant
an Arctic writer who was not only moral but immoral. He also mentioned reading King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ द फायर्स इज कलेक्शन ऑफ एसे ऑन. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शेक्सपियर्स प्ले और इन्होंने क्या किया था, ये इसका है, इन्होंने शेक्सपियर्स प्ले लिखा है. जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, देखिए इनका वो है डेट बर्थ और उसका, वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक. ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हुए हैं एंड अकेडमिक, नॉन पर्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर एंड द व्हील ऑफ फायर 1949 में ये बुक आई थी. ये भी पूछा जा सकती है उनकी बुक किसके द्वारा लिखी गई है. अ कलेक्शन ऑफ एसे ऑन शेक्सपियर्स प्ले, इन्होंने जो शेक्सपियर के प्ले हैं उस पर ऐसे लिखा है. ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर एंड थिएटिकल डायरेक्टर एंड कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग लेक्चरर. फिश कमेंटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एंड इन डिफरेंट प्ले द लाइंस व्हाट मीन. ये किसने कहा है, तो ये इसमें आपका आर्टिस्ट फेलियर तो टी एस इलियट ने कहा था. ये वाला देखते हैं किसने कहा, ये आई थिंक टी एस इलियट ने ही कहा होगा. नहीं, देखते हैं किसने कहा. तो इसका आपका ये ए आंसर है, ये आपका कहा है अब्राहम राइट ने. सॉरी हाँ, इन्होंने तो आर्टिस्ट फेलियर कहा था. किसने, ये जो आपका जो टी एस इलियट ने आर्टिस्ट फेलियर कहा था हैमलेट को. ये कमेंट आपका किया अब्राहम राइट ने, ये आपका इन्होंने ये कमेंट किया. क्लियर. चलिए नेक्स्ट इसकी डिटेल को देखते हैं, इसकी डिटेल को देखते हैं फिर नेक्स्ट चलेंगे. की डिटेल क्या है, अब्राहम राइट पुट इन द 1630s हैमलेट वाज एन इंडिफरेंट प्ले द लाइंस व्हाट मीन. द स्टोरी ऑफ डेथ एंड इंट्रीग एट द डेनिश कोर्ट वाज नॉट न्यू एज विद नियरली ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. हैमलेट वाज द अडैप्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेस. एसी ब्राइटली शेक्सपियर ट्रेजडी कंसिस्ट ऑफ लेक्चर, तो इसमें 10. एंड्रू सीसिल बार्डली वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क शेक्सपियर ट्रेजडी 1904 कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर, जिन्होंने इसमें 10 लेक्चर में बनाया. ए सी ब्राइडली हैज प्रोवाइडेड अ स्टडी ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजडी हैमलेट ओथेलो किंग लियर एंड मैकबेथ व्हिच रिवील्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेक्सपियरियन थॉट एंड आर्ट. द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन, तो ये आपका किसमें अपीयर होता है, एज यू लाइक इट में. द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन द फेमस पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर 1599 में ये लिखी थी इन्होंने. फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623 इन एज यू लाइक इट. द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रिप्रेजेंट द कंट्री लाइफ एंड द and escape from corruption while the duke's court represent corrupted city life. Who authored the long essay commenting on the Porter scene? जो Porter scene आपका Macbeth में, उसमें किसने comment किया है, तो ये Thomas D. Quincy ने इस पे comment किया है. क्या किया, on the knocking at the gate in Macbeth is an ऐसा, ये एक सीन है जब किंग डंकन को मैकबेथ मारने जाता है, उस टाइम का ये सीन है, तो उसके ऊपर ये किया है. ऐसे इन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म बाय द इंग्लिश ऑथर थॉमस डी क्विंसी फर्स्ट पब्लिश इन द अक्टूबर 1823 एडिशन ऑफ द लंदन मैगजीन दो ब्रीफ लेस देन 2000 वर्ड्स इन लेंथ. इट हैज बीन कॉल्ड थॉमस डी क्विंसीज फाइनेस्ट सिंगल क्रिटिकल piece and one of the most penetrating critical footnotes in our literature. Commenters who are dismissive of De Quincey's literary criticisms in general make an exception for his essay on Macbeth. The essay concerns act second, scene third in the tragedy of Macbeth, and Lady Macbeth is succeeded by Macduff and Lilac knocking at the gate of the castle.
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर ग्रेट क्लासिकल ट्रोलॉजी इज रोम। तो ये क्या है, विल्सन नाइट। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम, विल्सन नाइट। विल्सन नाइट वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड अकेडमिक नोन पर्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रेशन of mythic content in literature, the Wheels of Fire, a collection of essays on Shakespeare's play. He was also an actor and theatrical director and considered an outstanding lecturer. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको पहले जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of Claudius and later trap for Hamlet succeeded in killing him? तो ये क्या है, The poisoned dagger। देखिए उसमें क्या होता है, जब लेट्रेट जो ओफिलिया का भाई होता है और वो हेमलेट लड़ते हैं, तो ये उसकी तलवार पर क्या करता है, उसके तलवार पर पॉइजन लगा देता है। क्यों, क्योंकि अगर ये घाव होगा उससे मर जाएगा, अगर नहीं मरेगा तो उसके लिए कप में पॉइजन डाल के रखता है, जिसको पी के इसकी ग्रेटिट्यूड इसकी माँ मर जाती है। देखिए अकॉर्डिंग टू ये कमीशन करेक्ट है, तो ये इन्होंने हैमलेट द पॉइजन सर्ड हैज बीन डिनर एक्ट फॉर सीन फाइव में ये है, इन्होंने इसको ही माना है। टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ प्ले ट्वेल्थ नाइट रिफर, किस फेस्टिवल को करता है, तो एपिफेनी। द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट रिफर्स टू द ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस, ऑल्सो रिफर्ड एज द ईव ऑफ Epiphany, a day that commemorates याद में the visit of the Magi to the baby Jesus and is often celebrated with a temporary suspension of rule and social order। ये Epiphany नाम के उसको festival पर ये किया जाता। Who of the following was not predecessors of William Shakespeare? तो ये T. Lodge है, Thomas Lodge, इनका नाम Thomas Lodge, was not preceded predecessor of William Shakespeare, the principal predecessor of Shakespeare in the history of the English drama were the university wits, as they are called the most notable of there are Christopher Marlowe, Robert Greene, Peel, Lilly, Thomas Kidd and Ben Jonson. Thomas Loach was an English writer and author during Elizabethan and Jacobean। ये इनके प्रीडेसेसर्स नहीं थे, ये इनके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक स्टेट अबाउट शेक्सपियर दैट ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट वर्ड्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल। तो ये आपका कहा है ड्राइडन, द अबव स्टेटमेंट ही वाज द मैन हु of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul is stated about the Shakespeare by John Dryden in Essay of Dramatic Poesy में इन्होंने कहा था 1608। Which Shakespearean character has spoken these lines, life's but a walking shadow, a poor player that is stood and frets his whore upon the stage and then is a hear no more, it is a tale told by an idiot full of sound and fury। तो ये आपका किसका है, ये Macbeth का, ये बहुत ही important है आपकी lines, ये mostly exam में पूछी जाती है। पिछली बार भी आपके आई थिंक TGT देखिए UPPC JIC में भी आए और ये आपकी TGT में भी आई थी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए चलिए यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स है, डिटेल्स को देखते हैं हम लोग। दीज लाइन्स, लाइफ व्हाट ए वॉकिंग शैडो इज अ प्लेयर, ये सब किस में, इट इज टेल्ड इडियट फुल ऑफ साउंड, ये तो हो गया, हैव बीन स्पोकन बाय कैरेक्टर Macbeth, ये Macbeth के द्वारा प्ले Macbeth में कही जाती है। इन दिस पोएटिकल स्पीच Macbeth इज दिस थिएटर इमेजरी टू मेटाफोरिकल कंपेयर लाइफ टू प्ले ऑन स्टेज, ये एक्ट फाइव सीन फाइव में इसका ये एक्ट
ये एक्ट फाइव और सीन फाइव ये जो याद करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हु हैज स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ. मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ दैट मर्डर स्लीप द इनोसेंट शीप. तो ये आपका मैकबेथ का है. दिस लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय मैकबेथ. ये मैकबेथ के द्वारा ये बोली जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज द पेस्टोरल रोमांस. तो पेस्टोरल रोमांस कौन सा है इनका. एज यू लाइक इट पेस्टोरल रोमांस है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोवेंशली लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर. तो इसमें द मैरी वाइफ विंडसर है. द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602. तो बिलीव टू हैव बीन रिटन इन बिफोर 1597. द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड इन द प्ले. शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर फाउंड आउट करेक्ट. इसमें से करेक्ट करना शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स. ये भी आपका सही है. सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी. ये नहीं क्योंकि ये WH को थे. ही डेडिकेटेड सम सोनेट्स टू हिज पैटर्न अर्ल ऑफ सैम्पटन. हाँ ये भी सही है. फॉर द राइम स्कीम ऑफ सोनेट ABABCDCDEFEFGG सही है. चौथा भी आपका सही है. तो इसमें 134 ये तो नहीं है. ये भी नहीं. ये है आपका ये सही है. चलिए देखते हैं इसमें सोनेट नंबर. हाँ ये यहाँ से देखिए 1 to 26 आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH और 127 to 154 आर डार्क लेडी गो है. और 153 और 154 ये लव सोनेट से जो क्यूपिड को डेडिकेटेड है. इस वीडियो में इतना ही रखते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.